क्वेश्चन है, प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लायंस क्लब फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। बैलेंस ऑफ कैश ऑन 1 जनवरी 2017 ₹7,200। मेंबरशिप फीस, द क्लब हैज 400 मेंबर्स एंड ईच मेंबर इज टू पे एनुअल सब्सक्रिप्शन एट द रेट ऑफ ₹60 ईच। इट इज रिपोर्टेड दैट 32 मेंबर्स डिड नॉट पे द सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। 8 मेंबर हैव पेड एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर द नेक्स्ट ईयर। रेंट ऑफ द क्लब हैज बीन पेड अप टू द मंथ ऑफ जनवरी 2018 एट द रेट ऑफ ₹240 पर मंथ। सैलरीज एट द रेट ऑफ ₹1200 पर मंथ हैव बीन पेड अप टू द मंथ ऑफ नवंबर 2017। फर्नीचर, एन एडवांस ऑफ ₹1200 वॉज पेड फॉर परचेजिंग फर्नीचर बट फर्नीचर वर्थ ₹1000 ओनली वॉज रिसीव्ड अप टू द एंड ऑफ द ईयर। जनरल एक्सपेंसेस ₹360 हैव बीन पेड एंड ₹36 वेयर अनपेड। गार्डन एक्सपेंसेस ₹600 हैव बीन पेड एंड ₹120 वेयर अनपेड। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉरी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालने के ऊपर लायंस क्लब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2016। डेबिट साइड रिसीप्ट एंड क्रेडिट साइड पेमेंट। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया है, ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है, यानी कैश बैलेंस ऑफ कैश ऑन 1 जनवरी 2017 ₹7,200। तो पहले बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी 7,200। सेकंड है मेंबरशिप फीस, द क्लब हैज 400 मेंबर एंड ईच मेंबर इज टू पे एनुअल सब्सक्रिप्शन एट द रेट ऑफ 60। इट इज रिपोर्टेड दैट 32 मेंबर डिड नॉट पे दिस सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर। करंट ईयर अब पहले मेंबरशिप फीस याद आ जाते, टू मेंबरशिप फीस अब करंट ईयर यानी 2016। टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने, 400। उसमें से साफ लिखा है कि 32 मेंबर डिड नॉट पे द सब्सक्रिप्शन इन द करंट ईयर। तो करंट ईयर में से 32 मेंबर हटा दिए, टोटल मेंबर कितने बचे, 360 है एंड ईच मेंबर पेड सब्सक्रिप्शन ₹60। तो ये टोटल हो गया 22,080। एंड 8 मेंबर पेड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, तो उसका अमाउंट हुआ 480। टोटल 22,560 ये टोटल मेंबरशिप फीस हो। फिर आपने रेंट पेड किया तो बाय रेंट के बारे में क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेंट ऑफ द क्लब हैज बीन पेड अप टू द मंथ ऑफ जनवरी 2018 ₹240 पर मंथ। आपने कहां तक दिया, जनवरी 2018। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन का जो ईयर दे रखा था वो 17 है, करंट ईयर यहां पर 17 था। करंट ईयर कौन सा है, 17 है, तो 18 यहां पर नेक्स्ट ईयर होगा। अब जो रेंट है 18 तक दिया हुआ, 18 तक दिया है तो अपन क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन 2017 और 2018, 17 के 12 मंथ और 18 का 1 मंथ। और जो यहां पर अमाउंट दे रखा है वो 240 पर मंथ, तो 240 पर मंथ, तो करंट ईयर का आ गया 2880 और यहां का आ जाएगा आपको 240। तो टोटल 3120 ये हमारा रेट। रेट के बाद उसने पेड किया है सैलरी, सैलरी कितना पेड करा वो देख लेते हैं। तो सैलरी के बारे में लिखा है कि सैलरी ₹1200 पर मंथ हैव बीन पेड अप टू द मंथ ऑफ नवंबर 2017। अब 1200 से नवंबर तक ही पेमेंट कराया, यानी 11
कितना पेमेंट करा है फर्नीचर के लिए? फर्नीचर के लिए पेमेंट हुआ है 1200। कितने का फर्नीचर है हम उससे कोई लेना देना नहीं। फिर जनरल एक्सपेंसेस, तो बाय जनरल एक्सपेंसेस, और जनरल एक्सपेंसेस लिखा रुपीज 360 हैव बीन पेड एंड रुपीज 36 वेयर अनपेड। जो अनपेड उसकी एंट्री नहीं करना, जो पेड है उसकी एंट्री करेंगे। कितना पेड किया उसने? 360। तो यहां लिखेंगे 360। और जनरल एक्सपेंसेस की बात है गार्डन एक्सपेंसेस, तो लिखेंगे बाय गार्डन एक्सपेंसेस, और गार्डन एक्सपेंसेस 600 पेड। जो अनपेड उसकी एंट्री नहीं करना है। और लास्ट में हम बैलेंस निकालेंगे बाय बैलेंस सीडी। डेबिट का टोटल हो रहा है 29,760 और क्रेडिट का टोटल कितना हो रहा है? डिफरेंस निकाल लीजिए, हमारा बैलेंस हो गया 11,280 और टोटल है 29,760। तो ये था हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लाइन्स का।